दिवाली के पहले जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। नकली घी बनाने वाले रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन नकली घी की फैक्ट्री का मालिक शंकरलाल बत्रा फरार हो गया। इस फैक्ट्री में 8 ब्रांडों का घी तैयार किया जा रहा था। हनुमानगंज थाना क्षेत्र में शिखा होटल के पास जुमेराती क्षेत्र में बीच बाजार नकली घी की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। नकली घी बनाने की सूचना पर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने फैक्ट्री पर छापा मारा और नकली घी जब्त किया। कार्रवाई के दौरान कलेक्टर अविनाश लवानिया और DIG इरशाद वली भी मौजूद रहे। इसमें 400 किलोग्राम नकली घी, 18 किलो वनस्पति घी, 40 तेल की केन और एसेंस की बोतलें मिली। 8 प्रकार के ब्रांड के डिब्बे भी बरामद किए गए। फैक्ट्री में बने हुए नकली घी के साथ उसको बनाने में उपयोग किया जा रहा 4 ऑटोमेटिक मशीनें सहित रॉ मटेरियल जब्त किया गया। पूरे सामान की कीमत 30 लाख रुपए से अधिक की आंकी गई है। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। फैक्ट्री संचालक शंकरलाल बत्रा सहित 3 कर्मचारियों पर धोखाधड़ी, ट्रेडमार्क अधिनियम, फर्जी ब्रांड के प्रोडक्ट बनाना सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज कर दी गई है। यह फैक्ट्री 2 मंजिला भवन में चल रही थी, जो कि फैक्ट्री संचालक शंकर लाल बत्रा की है। पास ही एक दुकान में 18 क्विंटल वनस्पति घी रखा था, जिसे भी सील कर दिया गया है। यह फैक्ट्री बिना लाइसेंस के बीते 8 साल से चल रही थी। फैक्ट्री में केशरी, अनमोल, सरल, कन्हैया, अनंत भोग, अनमोल गोल्ड, केशरी भक्ति एवं केशरी प्लस जैसे अलग अलग प्रकार के ब्रांडों के पैकेट मिले हैं। फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई के दौरान घी बनाते पाए गए अमित तलरेजा ने बताया कि घी को वनस्पति तेल, सोया ऑयल और एसेंस से मिलाकर बनाया जा रहा था। पहले वनस्पति तेल को गर्म कर उसमें सोया तेल मिलाया जाता है, उसके बाद उसमें एक ढक्कन एसेंस डालकर घी तैयार कर लिया जाता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।